हेलो एवरीवन, हमारे चैनल के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटी का जो आइकन है इसको प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। साथ ही साथ यदि आप इसके पहले के सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप अपने प्लेलिस्ट पर जाएं। प्लेलिस्ट पर जाने के बाद आपको वहाँ पर आपके क्लास के सभी फोल्डर दिख जाएंगे। हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम लोग क्लास फोर का इंग्लिश का पार्ट वन करने वाले हैं और ये जो हम लोग करने वाले हैं सबसे फर्स्ट पेज में आप लोगों को होगा आई नो, उसका हम लोग पार्ट वन करेंगे, यानी दो पार्ट में आई नो को हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए, किताब कॉपी खोल कर बैठिए ताकि आप लोगों को हेल्प हो पाए। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। सबसे पहले आप लोग देखेंगे यहाँ पे आई नो में द राइट ऑर्डर ऑफ वॉशिंग हैंड्स बिफोर मील, यानी खाना खाने या भोजन करने के पहले हाथ धोने का जो सही तरीका है वो आपको बताना है। तो क्या क्या सबसे पहले हम लोग करते हैं, वहाँ पे हमने लिख दिया फर्स्ट वी टर्न ऑन द टैप, सबसे पहले नल को चालू करेंगे। देन वी पुट द सॉप इन द आवर हॉन्ड इन सॉप इन आवर हॉन्ड हैंड्स, यानी हैंड में हम लोग अपने हाथ में क्या पकड़ेंगे, साबुन को पकड़ेंगे। वी रब द सॉप ऑल ओवर हैंड, अपने सारे हाथ में साबुन को रगड़ लेंगे। वी वॉश बिटवीन द फिंगर, उंगलियों को बीच में वॉश करेंगे। वी वॉश द टॉप ऑफ आवर हैंड, अपने पूरे ऊपर वाले हाथ तक सफाई कर लेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ये इसका सही क्रम हो गया। उसके बाद है आई नो द यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, यानी यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं इज है, एम है, आर है, इसी को हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इज है, एम है और आर है, इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है उसको देखना है। जैसे टू बॉयज आर टॉकिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखेंगे आप जो ये जो आर लगा गया है ना, ये बॉयज़ है, ठीक है। तो बॉयज़ है, यहाँ पे एस लग गया है ना, इसीलिए यहाँ पे आर लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुवचन में है। अगर ओनली बॉय रहता तो यहाँ पर जो है आप सिर्फ इज लगाते हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे बॉय नहीं है, बॉयज़ है, ठीक है, बॉयज़ है, इसीलिए आपको यहाँ पर जो है आर का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। उसके बाद है आई एम गोइंग, आई के साथ हमेशा एम का इस्तेमाल कीजिएगा, ए एम का इस्तेमाल कीजिएगा। सी सी के साथ इज लगाना है, ठीक है, डांसिंग। उसके बाद है हमारा आई नो द अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स रिलेटेड ए साउंड ऑफ एनिमल, यानी एनिमल का साउंड जो है यहाँ पे आपको कुछ कुछ दिया है, उल्टा पुल्टा गलत दे दिया गया है, इसको आपको यहाँ पे सही करके लिखना था, तो मैंने सही करके लिख दिया है, आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे ग्रंट होगा, यहाँ पे मॉ होगा, यहाँ पे क्लक होगा, यहाँ पे क्वैक होगा, ठीक है, तो इसको आप लोगों को सुधार कर लेना है। उसके बाद है आई नो सम काइंड ऑफ नाउन काउंटेबल नाउन, ठीक है। काउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिसको हम लोग गिन सकते हैं, यानी कि जिस नाउन को हम लोग गिन सकते हैं, जो गिना जा सकता है उसको हम लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर क्या है, कॉ, गाय को हम लोग गिन सकते हैं, बैल को गिन सकते हैं, बकरी को गिन सकते हैं, हॉर्स, लायन, टाइगर, एलिफेंट, ट्रीज एंड होम, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन में आपको लिखना था वहाँ पर राइस, पर्ल्स, शुगर, मिल्क, इन सबको गिना नहीं जा सकता, वाटर, बटर, ऑयल और साल्ट, ठीक है, सभी का हम लोग लिख दिया है, यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद है हमारा आई नो द वर्क ऑफ दिस फॉलोविंग, यानी कौन किसका काम है आपको बताना है। जैसे पोस्टमैन का क्या काम है, तो पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर, पोस्टमैन जो है खत को डिलीवर करता है। एक कॉबलर क्या करता है, मेंड शू, या जूता बनाता है। ए नर्स क्या करेगा, टेक्स ऑफ पेशेंट, यानी कि पेशेंट की देखभाल। ए टीचर क्या करेगा, टीचेस द स्टूडेंट, वो स्टूडेंट को पढ़ाएगा। ए ड्राइवर क्या करेगा, ड्राइव्स द व्हीकल, गाड़ी को चलाएगा, ठीक है। तो ये इसका वर्क हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, घंटी के बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू।